नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं अक्षय आनंद। बिहार को जल प्रलय निगलने को तैयार है, पटना के हालात भी बहुत विकट हैं। हम लगातार अपने YouTube चैनल पर आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। कंकड़बाग राजेंद्र नगर के घरों में घुटने भर पानी जम गया है। और अब तस्वीरें देखिए, ये NMCH की तस्वीरें हैं जहाँ पर बिहार के लगभग लाखों लोग इलाज के लिए आते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ, लोग पहुंचे हुए थे लेकिन रात से हो रही बारिश के बाद पानी का स्तर इस कदर बढ़ गया है कि सारी सुविधाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं। जो ऑपरेशन थिएटर्स थे उनमें भी बेड तक पानी भरा है। मरीजों को किसी तरह स्ट्रेचर पर लाद कर एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा रहा है। एम्बुलेंस के चक्के पानी में डूबे हुए हैं। और देख तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये NMCH की तस्वीरें हैं जहां पर लोग स्ट्रेचर पर बैठकर इधर से उधर जाने को मजबूर है। एक और तस्वीर जो बहुत रोचक है वो ये कि NMCH की जो नर्स हैं वो ठेले पर बैठकर NMCH पहुंची हैं और ठेले वाले इसे खींच रहे हैं। पूरा ठेला पानी में डूबा है, मगर NMCH पहुंचना जरूरी है क्योंकि जो मरीज एडमिट हैं उनके देखभाल के लिए इन नर्सों की भूमिका बहुत ही अहम है। तो ठेले पर बैठकर यह नर्स पहुंची NMCH की यह तस्वीर। वसीम हमारे सहयोगी भी वहां मौजूद हैं जो आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आप इन तस्वीरों को देखिए। ये NMCH की तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों की जहाँ पर पानी जमा हुआ है, पानी भरा हुआ है और लोग इससे जूझ रहे हैं। जो मरीज हैं वो परेशान हैं। पानी इस कदर है कि जो मरीज बाहर से आ रहे वो पहुंच नहीं पा रहे, जो वहां मौजूद हैं वो किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। जिला प्रशासन, NDRF सब एकजुट होकर रेस्क्यू अभियान चला रहा है। जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें बचाने की कोशिश में लगा है और यह प्रयास की जा रही है कि कैसे इन लोगों को इस जल सैलाब से बचाया जा सके। लगातार जो वाटर लेवल बढ़ रहा है उसे कैसे रोका जाए और इवैक्यूएशन किस तरह से किया जाए, इसकी कोशिश में जिला प्रशासन NDRF लगा हुआ है। मगर सबसे चिंता की बात यह है कि राजेंद्र नगर में पानी का लेवल इस कदर बढ़ गया है कि लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाना पड़ रहा है। जो ग्राउंड फ्लोर है वो लगभग आधा डूब चुका है। अभी हमने आपको अपने YouTube चैनल पर वो तस्वीरें दिखाई थी जब JCB की मदद से गर्ल्स हॉस्टल से लड़कियों को रेस्क्यू किया गया था। उसके बाद हमारे सहयोगी सुजीत सागर ने आपको बिहार विधानसभा की तस्वीरें दिखाई। वसीम NMCH में मौजूद हैं और हमारे सारे रिपोर्टर्स पटना के अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। क्या पौश इलाके, क्या मध्यम वर्ग के इलाके, क्या विधानसभा, क्या मंत्रियों के आवास, क्या सचिवालय, सब डूबा हुआ है पटना में। और पानी को किस तरह शहर से बाहर निकाला जाए इसके रास्ते को ढूंढने में बिहार सरकार लगा है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हर खबर के सबसे ताज़ा अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।